पापा के प्रेशर में आकर शादी के लिए हाँ बोल दिए हैं, और हमको पता है कि तुम भी पापा के दबाव के कारण चुपचाप ये सब कर रही हो। तुम जानती हो कि हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ अच्छा दोस्त मानते हैं और कुछ नहीं। और तुम ये भी जानती हो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी लड़कियां हैं और हम कभी किसी एक के होके नहीं रह पाएंगे। तुम्हें हमारे साथ शादी करके तकलीफ ही होगी, इसलिए तुम अपने मन की बात मुझे खुल के बताना, फिर हम दोनों मिलके पापा से बात करेंगे। तुम शादी से इनकार करोगी तो हमको यकीन है पापा तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। लो। अरे लो ना। अरे ले लो देवरानी जी, आपका पहला प्रेम पत्र। ले लो ना। रियोम भैया ने जो लेटर दिया है अभी तक पढ़ी कि नहीं? ये पुनमी सिर मत हिलाओ बेटा, बाल बिगड़ जाएगा ना। हमें तो पढ़ने दो। देखो ये लड़की को फिर से सिर हिला रही है। तुमको तैयार करके हम लोग भी ना तैयार होंगे। नजमा तुम ही तैयार करो इसको। जी हम आते हैं छेका का तैयारी देख। अपनी पक्की वाली सहेली को तुम सस्पेंस में मार रही हो। अरे पढ़ो ना, हमें भी तो पता चले कि क्या है प्रियम भैया के मन में और वो तुमसे अपने प्यार का इजहार कैसे करते हैं। अरे तुम्हारे बहाने हमें भी रोमांस में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा। पढ़ो। अरे हमें नहीं पढ़ना, हमारा लेटर है, हमारी मर्जी हम जब भी पढ़े। अच्छा, और अगर लेटर में ये लिखा हो कि प्रियम भैया तुमसे शादी नहीं करना चाहते तो? हम भी शादी करने से मना कर देंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से उसे कोई भी तकलीफ दे। अरे हम तो बस ऐसे ही तुम्हें छेड़ रहे थे। तुम भी ना। कहां से ली? हमारी छुट्टी कहां चली गई? टाटा। एक शर्त पर, हम तुमसे जो भी मांगे तुम्हें हमें देना होगा। बोलो मंजूर? नहीं, हमें नहीं है मंजूर। नहीं देना ना तुमको लेटर, मत दो, पढ़ लेना खुद ही। अरे देखा नजमा, अभी तक सहेली से भाभी हुई नहीं कि अभी से तेवर दिखाने शुरू कर दिए। हाँ ये लो मेरी माँ, पढ़ लो।
फिर से कह रहे हैं मैडम जी, बहुत पहरा है वहां पर, हम दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे, इतने बलशाली नहीं हैं हम। बल से नहीं तो ना सही, पर छल से तो जीत सकते हैं। ये बाजी हमको जीतना ही है, फिर चाहे इसके लिए हमको कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और वैसे भी अगर औरत अपने पे आ जाए ना, तो वो कुछ भी कर सकती है। जब से ये बेगूसराय वापस आई है, इसका तो रंग ही बदल गया है। चवन्नी पर नाचने वाली बिंदिया चांद के सपने देखने लगी है, और उसको पाने के लिए जान भी लेने और देने को तैयार है। ना, हमारे नन्हे दिमाग की अकल कहती है कि वो बेगूसराय से सिर्फ पैसा ही नहीं, कुछ और भी लेने आई है। लेकिन का